यहाँ पे मीटर्ड पार्किंग देनी पड़ती तो है। बहुत अमूमन इसको इस्तेमाल नहीं करते, अब उनके पास मोबाइल एप्स हैं, $100 का फाइन होता है। डैशबोर्ड के अंदर आप फिक्स कर देते हैं, तो जब कोई अथॉरिटीज आती हैं देखने के लिए तो वो देखती हैं कि हाँ आपकी गाड़ी मीटर्ड पार्किंग में खड़ी हुई है, तो आपकी गाड़ी टो नहीं करते, अदरवाइज आपकी गाड़ी टो कर दी जाती है और उसका भारी जुर्माना भी देना पड़ता है। ये है बस स्टॉप, तो यहीं पर आके बस रुकती है। दरख्तों के चारों तरफ एक सेफ्टी बेल्ट लगाई जाती है। ड्यूरिंग योर ड्राइविंग रोड टेस्ट हेयर इन ब्रुकलिन, अगर आप ये येलो लाइन टच करते हैं तो आपको राइट अप वे फेल कर दिया जाता है, और ड्राइव करते वक्त आपने हमेशा येलो लाइन के करीब रखनी है गाड़ी। हेलो एवरीबॉडी, इन माय व्लॉग्स आई एम गोना शेयर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्क एनवायरनमेंट, वर्क लाइफ, वर्क एथिक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ, फूड, एंटरटेनमेंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एजुकेशन, रोड साइंस, ट्रैफिक सेफ्टी एंड मोर इन्फॉर्मेशन दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू नो। लगे रहिए, जमे रहिए और देखते रहिए मेरे इन ब्लॉग्स को फ्रॉम द मेट्रोपॉलिटन सिटी, द बिग एप्पल, न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो लेट्स जंप इनटू इट। इस वक्त मौजूद हूँ, अगर आप ये रोड देखें तो ये वन वे रोड है, ये सारी गाड़ियाँ दोनों जानेब पैरेलल खड़ी हुई हैं, उनके जो ट्रंक्स हैं वो एक साइड पर हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं, और उनके जो हुड्स हैं वो भी एक ही डायरेक्शन के अंदर हैं। क्रॉस वॉक के ऊपर आप के लिए अलाउड है क्रॉस करना रोड को, ये सिग्नल बता रहा है, और अभी आप 12 सेकंड्स के अंदर भी ये रोड क्रॉस कर सकते हैं। और उसके बराबर में जो रेड साइन आप देख रहे हैं जिस पर लिखा है वेंसडे 7:30 AM to 8 AM, इसका मतलब है यहाँ पर इस जगह पर पार्किंग नहीं की जा सकती सुबह 7:30 से लेके 8 बजे तक, क्योंकि सैनिटेशन वाले आते हैं और सफाई करनी होती है। और ये वन वे रोड जा रहा है मेरे सामने, वन वे रोड का मतलब है कि यहाँ पर सारी ट्रंक्स और सारे हुड्स एक ही डायरेक्शन में मौजूद होंगे, और गाड़ी जब इंटरसेक्शन से इस रोड के अंदर एंटर होगी तो वो सेंटर ऑफ द लेन चलेगी, ना के राइट ना के लेफ्ट। ये येलो लाइन टू वे रोड को डिवाइड करती है, और अगर आप न्यूयॉर्क में रोड टेस्ट देते हैं और रोड टेस्ट के दौरान आप ये येलो लाइन टच करते हैं तो आपको राइट अवे फेल कर दिया जाता है। एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे, इस टू वे रोड में दोनों जानिब गाड़ियाँ एंटी पैरेलल डायरेक्शन में खड़ी हुई हैं, और ये बताती है कि ये टू वे रोड है। अगर आप यहाँ पर घरों को देखें, अमूमन जो छतें होती हैं वो स्लांटेड होती हैं ताकि पानी जो है वो ज़्यादा छतों पर ठहरे ना, नीचे गिर जाए। 8 बजे से शाम 7 बजे तक अगर आप यहाँ इस जोन में पार्किंग करते हैं, आपको यहाँ पर मीटर्ड पार्किंग देनी पड़ती है, और उसके आवर्स होते हैं, $1 25 और 2 आवर्स के $3.25, और आप यहाँ पर जो है पे कर सकते हैं न्यूयॉर्क पार्किंग कार्ड के ज़रिए से, अपने डिप कार्ड के ज़रिए से, मीन्स क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से, डेबिट कार्ड के ज़रिए से, और कॉइन्स एंटर कर सकते हैं, कॉइन्स आप यहाँ डाल सकते हैं। आपको एक रिसीट मिलेगी प्रिंटेड फॉर्म में, और वो आप अपने गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगा देंगे ताकि आपको कोई फाइन और चार्ज जुर्माना ना देना पड़े। ये जो पार्किंग आप देख रहे हैं गाड़ी की, ये मीटर्ड पार्किंग यानी आवर्स के हिसाब से पार्किंग की हुई है लोगों ने। ये है न्यूयॉर्क। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर ये लिखा हुआ है नो लॉयटरिंग, नो ट्रेसपासिंग, NYC पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। नो लॉयटरिंग नो ट्रेसपासिंग का मतलब होता है कि आप इस बिल्डिंग के अंदर बगैर इजाज़त नहीं जा सकते, और नो स्मोकिंग तो है ही, खैर स्मोक नहीं कर सकते। कहीं कहीं जगह लिखा होता है कि नो सॉलिसिटेशन, तो नो सॉलिसिटेशन का मतलब होता है कि कोई बेचने वाला सामान घर पे आके नॉक करते हैं और कोई चीज़ सेल करने की कोशिश करते हैं, आप उनको परमिट नहीं कर रहे कि वो आपको डिस्टर्ब करें। सिमिलरली आप ये साइन देख सकते हैं, हर बिल्डिंग के बाहर अमूमन न्यूयॉर्क की तकरीबन हर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बाहर ये लिखा होता है नो बॉल प्लेइंग, नो कैरेजेस, नो पैडलिंग, नो लॉयटरिंग, नो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग अलाउड, डॉग वेस्ट, अगर यहाँ पे डॉग वेस्ट करता है तो डॉग वेस्ट खुद क्लीन करनी पड़ती है इफ़ यू आर कीपिंग अ डॉग, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस पर भी जुर्माना होता है, $50 to $100 का फाइन होता है। यहाँ पे ज़्यादातर जो घर होते हैं वो लकड़ियों के घर होते हैं, आप ये देख सकते हैं जैसे सामने एक घर है, सामने जो है इसके एक पार्किंग है, पूरा लॉट है, इसके पीछे एक यार्ड होता है, बैक यार्ड। जितने भी घर होते हैं यहाँ लकड़ी के होते हैं, उसका रीज़न ये है लकड़ी जो है बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में अवेलेबल है, वो सस्ती भी होती है और बहुत अच्छा
इंसुलेटिंग मटेरियल है। ये साइन आप देख सकते हैं सामने, ये साइन ये बता रहा है कि यहाँ पे पार्किंग 7:30 बजे से सुबह 8 बजे तक आप नहीं खड़ी कर सकते गाड़ी, एक्सेप्ट संडेज। आप संडे को खड़ी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सैनिटेशन वाले आते हैं और उनको सफाई करनी होती है, तो इसलिए आप यहाँ पर गाड़ी अपनी पार्क नहीं कर सकते। न्यूयॉर्क का इकोसिस्टम दुनिया के बेहतरीन इकोसिस्टम्स में आता है। यहाँ पर रोड के दोनों तरफ दरख्तों की एक पूरी ग्रीन बेल्ट होती है, इसकी वजह से जो है वो माहौल के अंदर काफ़ी सेरेनिटी आ जाती है। और दरख्तों को चारों तरफ से एक सिक्योरिटी बाउंड्री भी दी जाती है और उनका ऐसे ही ख्याल रखा जाता है जैसे सिटीजन्स का ख्याल रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि कितनी ग्रीनरी है। इकोसिस्टम की सफाई सुथराई करने के लिए और अपने शहर को क्लीन करने के लिए बहुत सारे जो सुपर्स होते हैं बिल्डिंग के, जो सुपरवाइज करते हैं, वो अपने बाहर के एरियाज को छोटे छोटे इस तरह के प्लांटेशन से सजाते हैं ताकि एक ग्रीन इफेक्ट और एक अच्छा माहौल रेजिडेंशियल्स को मिल सके। सो सिटी की स्पीड लिमिट 25 माइल्स पर आवर है और एक्सप्रेसवे और हाईवेज पर ये स्पीड चेंज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द हाईवे सिचुएशन, 45 माइल्स टू 50 माइल्स पर आवर। हर स्टॉप साइन आने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से ये इस तरह के येलो मार्क्स लगाए जाते हैं पोल के ऊपर ताकि एग्जैक्टली आपको स्टॉप साइन पर ही आके पता ना चले और आप सरप्राइज ना हो कि मेरे पास स्टॉप साइन आ चुका है। आपको पहले से ही बता देते हैं, एक तरह से आपको प्री अलर्ट साइंस देते हैं कि आगे एक स्टॉप साइन आने वाला है। ये जो आप ऑक्टागन का शेप देख रहे हैं इसका मतलब है कि आगे एक स्टॉप साइन आने वाला है। ये होता है ऑल वे स्टॉप साइन या फोर वे स्टॉप साइन। इसका मतलब होता है जो गाड़ी इंटरसेक्शन पर पहले आएगी उसका राइट ऑफ वे है, वो पहले गुजरेगी नो मैटर कि वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। द कार विच रीचेज द इंटरसेक्शन फर्स्ट विल हैव द राइट ऑफ वे। ये कहलाता है रेगुलर स्टॉप साइन। इसका मतलब है यू हैव टू कम टू अ फुल स्टॉप बिफोर द स्टॉप लाइन एंड देन yield the right of way to the vehicles and pedestrian first and then you can go. आगे आपको नजर आ रहा होगा एक वाटर हाइड्रेंट। वाटर हाइड्रेंट जो होता है बेसिकली वो फायर डिपार्टमेंट के लिए होता है 24/7। कभी भी आप इस हाइड्रेंट के आगे, वाटर हाइड्रेंट के आगे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, पार्क नहीं कर सकते। ऐसा करने पर आपको बहुत भारी जुर्माना करती है स्टेट, क्योंकि ये वाटर हाइड्रेंट जो है वो फायर हैजर्ड्स को एक्सटिंग्विश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए है। यहाँ से हेल्प लेती है फायर डिपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर एक्सेस लेने के लिए, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए ये वाटर हाइड्रेंट इस्तेमाल करती है FDNY यानी फायर डिपार्टमेंट न्यूयॉर्क। इसके आगे कभी भी आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, ये यहाँ का रूल है। ऐसा करने पर आपको भारी जुर्माना होता है। ये है वाटर हाइड्रेंट। जब लोगों के पास सेल फोन नहीं हुआ करते थे और उनको इमरजेंसी रिपोर्ट करना होती थी तो ये पोल्स इस्तेमाल किया करते थे। इसमें आपको साफ दिख रहा है कि फायर के इमरजेंसी को रिपोर्ट करने के लिए आपने इसको लिफ्ट करना है, पुश करना है बटन को और आंसर करना है ऑपरेटर को, बताना है कि कहाँ किस सिचुएशन में है ये बिल्डिंग और कोई जगह। यहाँ पर लिफ्ट करना है, इसको प्रेस करना है और ऑपरेटर को आंसर करना है। You must answer to get help. Thank you so much guys for visiting my channel and if you like my content where I'll be sharing all the interesting information which has never been shared before. If you want to learn more about the life in the USA, please consider subscribing to my channel and hit the notification button and I'll see you in the next one. Brooklyn, New York ke andar maujood Pakistan. Ji haan. लिटिल पाकिस्तान अगर आप देखना चाहते हैं तो जमे रहिए मेरे साथ, आइए आपको दिखाते हैं ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद लिटिल पाकिस्तान।